मोदी सरकार किसानों को 15,000 करोड़ का दे सकती है राहत पैकेज, मंत्रिमंडल से जल्द मंजूरी की उम्मीद। अयोध्या मामले में 29 को नहीं हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रामदेव ने कहा मोदी सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया विवादित बयान, उन्होंने कहा सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। पुलिस चेकिंग के दौरान फायरिंग, सिपाही और अपराधी के उपचार के दौरान मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि क्षेत्र के संकट से निपटने और उपज की गिरती कीमतों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को जल्द राहत पैकेज दे सकती है, सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव से पहले यह पैकेज लागू करेगी। एक सूत्र ने कहा कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के उपायों को लेकर कृषि मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में है। इस बीच जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल ने सोमवार को होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया है। कहा है कि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वाले किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है। सरकार तेलंगाना और उड़ीसा सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है। अयोध्या बाबर के विवाद के लिए पुनर्गठित की गई 5 सदस्यीय बेंच 29 जनवरी को सुनवाई नहीं कर पाएगी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक जस्टिस एस ए बोबेड इस दिन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बेंच सुनवाई नहीं कर सकेगी। सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट के दिसंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अप्रैल पर होनी है। सुनवाई की तारीख टलने के बाद बाबा रामदेव ने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ही फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट में तो जल्द फैसले की संभावना नजर नहीं आ रही है, ऐसे में अब मोदी सरकार को ही कुछ कदम उठाने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन्हीं की सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरा हो सके, वरना जनता सपने पूरे नहीं होने पर नेताओं की पिटाई कर देती है। नितिन गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि गडकरी जी, हम समझ गए कि आपका निशाना किधर है। प्रियंका यहां मोदी सरकार में किए गए वादा पूरा ना होने की ओर इशारा की है। उन्होंने गडकरी के बयान के बहाने बीजेपी को घेरा। सत्ता आंखें निकाल सकती है पर दिल के अंदर छुपे हुए सपनों को कोई समाप्त नहीं कर सकती, और दूसरी सपनों की और एक विशेषता है कि सपने दिखाने वाले लोग नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा के लिए 11 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें एक पाली है। 7,000 परीक्षार्थी और दोनों पालियों को मिलाकर लगभग 14,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। दरअसल बांदा जिले में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम
हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं, राज से। यहाँ पे क्यों आई हैं, किसकी परीक्षा देने आई थी? हम यूपी पुलिस की देने आए थे पेपर। अच्छा, आप आई हैं, रास्ते में किस तरह की परेशानी उठानी पड़ी आपको? कोई परेशानी नहीं थी, महोबाबा आए, इसके बाद फिर यहाँ सुबह ट्रेन से बैठे तो आप यहाँ पे अपना ये परीक्षा 11 परीक्षा केंद्रों पे हो रही है। इसमें हमने 3 स्तरीय फोर्स लगाई है। पहला स्तर हमारे राजपत्रित अधिकारियों का है, जो हमने 4 सेक्टरों में बांटा है। दूसरा स्तर हमारा है, जो रूट हैं उन पर जो रूट प्रभारी बने हैं, रूट प्रभारी लगाए गए हैं। दूसरा उसका अखंड यह है कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, प्रमुख मोड़ और चौराहे हैं जहां पे जाम लगने की संभावना है, उस पर फोर्स लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बांदा जनपद के बेबरू क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा कर 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस चोरों को गिरफ्तार कर इनके द्वारा की गई 5 चोरियों का खुलासा किया है। साथ ही इनके पास से कंप्यूटर मॉनिटर, फोटोकॉपी मशीन, 10 मोबाइल और 4 मोटर बाइक बरामद की है। इन चोरों ने बेबरू क्षेत्र में कई चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 चोरों को जेल भेज दिया है। चारों अभियुक्तों से जो सामान बरामद हुए हैं आपके समक्ष हैं। इसमें जो टोटल बरामदगी है, कंप्यूटर में कीबोर्ड, इसके साथ माउस है, 3 अदद मॉनिटर हैं, 2 अदद सीपीयू हैं, 1 फोटोकॉपी मशीन है, 1 अदद म्यूजिक स्पीकर है, 1 अदद मोबाइल है, 5 अदद ITEL के मोबाइल हैं, 1 अदद मोबाइल डिजिटल लाइफ का है, 2 अदद मोबाइल जियो लाइफ के हैं, 1 अदद टशन का मोबाइल है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के परीक्षा देने आए एक छात्र परीक्षा केंद्र पर अचानक बेहोश होकर गिर गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छात्र संभल के केसुरुआ गांव का रहने वाला था। छात्र यूपी पुलिस में कांस्टेबल के परीक्षा देने मुरादाबाद आया था। परीक्षा के दौरान अचानक सुमित बेहोश होकर गिर गया। उसके साथ परीक्षा दिलाने आए उसके रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। किस कॉलेज में था पेपर? पेपर था उसमें मैं भूल रहा हूँ सर, उसमें विजडम एजुकेशन कॉलेज में। अच्छा, आपका भी था उसमें? नहीं, मैं इसके साथ था। तो वैसे ही आए थे आपसे? हाँ। तो क्या हुआ इनको? इनको पेपर देते देते पता ना फायरिंग में गोली लगने से बदमाश और एक सिपाही को गोली लग गई। दरअसल पुलिस के अनुसार अमरोहा जनपद के बछरायू थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान अमरोहा जनपद का कुख्यात अपराधी सिविया और सिपाही हर्ष चौधरी की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को आनंद फानंद में उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सिपाही हर्ष चौधरी और बदमाश सीविया की मौत हो गई है। घटना के बाद मंडल भर के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया है। हर्ष चौधरी हथरस जनपद का रहने वाला है, जो 2016 की पुलिस भर्ती में शामिल हुआ था। हर्ष चौधरी की अभी 6 महीने पहले पूर्व शादी हुई थी। हर्ष चौधरी अपने परिवार में अकेला बेटा है। घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। जिसमें थाना बछरायू क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक स्ट्रीट शूटर द्वारा हमारे कांस्टेबल को गोली लगी है, मारी गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई में उसको भी गोली लगी है और जो शुरुआत में जानकारी में आया है, ये चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है और वो स्ट्रीट शूटर की भी हम जानकारी कर रहे हैं और कांस्टेबल की दोनों। गणतंत्र दिवस के मौके पर महानगर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें ध्वजारोहण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी रहे। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। लेकिन आज दोपहर से शहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ध्वजारोहण के बाद पुलिसकर्मी जमकर देशभक्ति के गीतों पर डांस करते नजर आए।
बिजनौर के नजीबाबाद मालगोदाम रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक पार करते समय एक महिला और उसके पुत्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मंडावली क्षेत्र की भट्टी निवासी अब्दुल हबीब की पत्नी नाजमा अपनी पुत्र वधु अफसाना 35 पत्नी मुफीद के साथ बढ़ापुर रिश्तेदार में होकर लौट रही थी। उनके साथ 3 वर्षीय असद और 7 वर्षीय अल्तमश भी साथ थे। जैसे ही आदर्श नगर से माल गोदाम की तरफ ट्रैक के पास पहुंचे, अचानक ट्रेन आ गई और अफसाना और उसका पुत्र असद ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आकर महिला और उसके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। जो हसोई का मामला था, आज ये रन थ्रू गाड़ी जा रही थी, लाइन पार कर रही थी, ये लेडीज जो थी अफसाना और अपने लड़के को लेकर के, और वो अचानक उनके इस ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई। जब हम चल हमने पता किया तो फिर उसका नाम उसकी सास के साथ में थी, उसने उसके घर वालों को पता किया गया तो उनके घर वाले आ गए और उन्होंने बताया कि हम पंचायतनामा और पीएम नहीं कराना चाहते, अचानक ये इसमें किसी का दोष नहीं। कितने लोगों की मृत्यु हुई है सर? इसमें एक अफसाना और उसका लड़का असद 3 साल। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।